मैं खुद एक आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन रोहतक यूनिवर्सिटी, दिस इज़ डॉक्टर रोमिता खुराना, एंड आई फील कि मैं एक घंटे लेक्चर भी नहीं ले पाती थी कंटिन्यूसली क्योंकि मुझे इतनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी. बट द मोमेंट आई स्टार्टेड योगा इट फील्स रियली ग्रेट एंड आई एम एबल टू टेक द सेशन ऑफ 2 आवर्स ऑल्सो. सो थैंक यू इंदु भाभी फॉर दिस. तो आपको इससे क्या लाभ मिला? बहुत लाभ हुआ ऐसे. एक तो हम एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं जी. मतलब बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर सबके साथ मिलकर बैठकर, बहुत ही अच्छा लगता है. काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को करके और बहुत प्रोत्साहन मिलता है. और से हमारी काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं. एक्चुअली में हम लोग को ब्रीदिंग होती है जैसे प्रॉब्लम कहीं को, तो वो भी काफ़ी ठीक होती है. और हम लोग का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहा हो गया इससे. और काफ़ी कुछ ग्लो भी खूब अच्छा आया है हम लोग का. योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है. इसी विचार के साथ नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क. आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली की योगा इंस्ट्रक्टर इंदु देवानी जी. तो आइए करते हैं बातचीत इंदु देवानी जी से. नमस्कार मैम. नमस्कार जी. मैम आपको योगा सिखाने का विचार कैसे आया? बस मैंने कुछ क्षण अपने लिए निकाले, मैंने सीखा कहीं पर एक साल जाके, तो ऐसा लगा कि जब मैं कर सकती हूँ तो मैं ये किसी और को भी सिखा सकती हूँ. तो बस ऐसे ही मैंने 2-4 लोगों को अपने संग ले लिया कि चलो करके देखते हैं. ऐसे ही बढ़ता चला गया, पता ही नहीं लगा कि कब हमने इतने समय बिता दिया. लेकिन हाँ, योग से मुझे जो बेनिफिट मिला है वो मैं आपको बताऊँ. मुझे अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम थी जो आज 0% भी नहीं है. मैं 2 कदम चल भी नहीं पाती थी और आज इतना चलवा लो, इतना सब कुछ करवा लो, मुझे सांस नहीं फूलती. मेरी सांस बहुत फूलती थी, बात करने में भी हिम्मत नहीं होती थी कि 2 शब्द बोले जाएं करके. तो योग मेरे लिए जीवन है, योग ही सब कुछ है मेरे लिए. मैं आगे भी हर किसी को यही कहती रहूँगी, योग करते रहिए, निरोग होते रहिए शरीर से. क्योंकि मैंने जो देखा है अपने शरीर में वो मैं ही जानती हूँ. क्योंकि मैंने अपने शरीर में जो मोटापा देखा, जो बीमारियाँ देखी, खैर मुझे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत होती थी, सर का दर्द नहीं जाता था और अस्थमा की इतनी प्रॉब्लम होती थी, दवाइयाँ बहुत लेती थी, इन्हेलर लेना पड़ता था मुझे. लेकिन अब ये है कि मालिक की इतनी कृपा है कि मुझे कुछ नहीं लेना पड़ता है, बस दवाइयों से कोसों दूर मैंने अब. तो मैम अभी आप कितनी महिलाओं को योगा सिखा रही हैं? मेरे पास अभी आती हैं 25-30 महिलाएँ आती हैं जो सभी लाभ उठाती हैं. और हर कोई अपने शरीर से कई परेशान है, कईयों को बीमारियाँ भी कई तरह से हैं और सबको बहुत. मैं तो कहूँगी कि योग मेरे लिए एक मेरी पूंजी है. तो जिसको भी मैं देखती हूँ तो हर किसी को यही कहती हूँ कि आप योग करिए. तो योग से चाहे आप मेरे पास ना करके कहीं और करिए, लेकिन योग ज़रूर करिए. मेरा एक ही सबसे रहता है कि आप हर कोई योग करिए. आप मेरे चाहे जितने भी मेम्बर्स हैं सबसे पूछ सकते हैं कितनी कितनी बीमारियों से ग्रसित थे. शरीर नहीं उठता था, किसी का हाथ नहीं उठता था, किसी को सर्वाइकल है, किसी को थायराइड है, बहुत सारी चीज़ों से सबने दवाइयों से बिल्कुल धीरे 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 दूर होते गए हैं सारे. तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि भगवान ने मेरे पास एक ऐसी चीज़ मुझे दी है कि मैं दूसरों को दे सकती हूँ. मेरी ये निस्वार्थ सेवा है और मैं ये निस्वार्थ सेवा जिंदगी भर करती रहूँगी. जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं करती रहूँगी. तो मैम आपके अकॉर्डिंग जो योग है वो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव लाता है? बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाता है. देखिए आजकल जिंदगी में ठहराव तो रहा ही नहीं. आजकल हर कोई 2 वक्त कमाने के लिए बंदा इतनी मकसद करता है लेकिन वो खाना टाइम से नहीं खा पा रहा है, सो टाइम से नहीं पा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, मन शांत नहीं है. और योग ऐसी चीज़ है जिससे आप हर चीज़ पा सकते हो, धैर्य भी, संयम भी, आपका स्वास्थ्य भी, सब चीज़ मैटर करती है इस चीज़ के लिए. तो मेरे लिए मैं यही कहूँगी अगर योग करते रहेगा, हर इंसान योग करता रहेगा तो आप देखिएगा अपने जीवन में खुद ही बदलाव लाओ. आप खुद से महसूस करने लगो कि नहीं, हमें समय से उठना है, समय से खाना है, समय से पीना है, समय से अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है. मेरा एक ही उद्देश्य सबसे रहता है क्योंकि मैं खुद एक ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठना नहीं सीख पाती थी कैसे उठा जाता है. लेकिन आज 5 सालों से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैंने वो सूर्य देवता के दर्शन करके मुझे मैंने जाना है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं करके.
आपको मेरा एक हर किसी से रहता है, आप समय से उठिए, समय से खाइए, समय से पीजिए और समय से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाइए। हर बंदा आज सब बहुत खुश है मुझसे भी और मेरी इन सब चीज़ों से भी, तो सारी चीज़ें फॉलो भी करते हैं। मैं डाइट के लिए कहूँगी तो वो डाइट भी पूरा लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भूखे रहिए, दो वक्त का अच्छे से खाइए पर समय से खाइए, क्योंकि हमें भगवान ने भोजन दिया है तो आप उसका आदर करके खाइए। तो आज हर चीज़ मेरे मेंबर्स हैं, शुक्रगुजार हूँ मैं इन लोगों की भी, क्योंकि ये मुझे फॉलो करते हैं और मेरी सारी चीज़ों को मानते भी हैं। आप हमें कुछ योगासन के बारे में बताइए जो एक नॉर्मल व्यक्ति रोजाना कर सकता है। कर सकता है ना, सूर्य नमस्कार। मेरे हर मेंबर्स, आज इतने मेंबर्स हैं, 50-50 सूर्य नमस्कार लगा सकते हैं। अगर मैं अभी कहूँ तो अभी लगाने शुरू कर देंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार किसी को समझ ही नहीं आता था कि होता क्या है, पर आज बच्चा जानता है कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, जो कभी समझ में नहीं आता था प्राणायाम में कैसे सांसें ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, वो भी नहीं समझ में आता था। आज सब चीज़ें हर बंदा करने लगा है। तो आप कुछ भी मेरे मेंबर से पूछ सकते हो, आपको हर चीज़ का आपको मिल जाएगा। तो मैम सूर्य नमस्कार का लाभ क्या है, क्या करता है? सूर्य नमस्कार देखिए, एक तो 12 आसनों का एक आसन है, ठीक है, और उसके बाद आपको ऊर्जा देता है, ठीक। उसके बाद आपका वेट रिड्यूस होता है, जो मोटापा है आज वो 5 किलो वजन घटाया उन्होंने 3 महीने के अंदर। तो सूर्य नमस्कार एक बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपका शरीर लचीला बनाता है। आप सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है आपकी सारी बीमारियां ख़त्म करता है, क्योंकि ये सूर्य नमस्कार ही सबसे बेस्ट लगता है यहाँ पर सब। तो मेरे लिए सूर्य नमस्कार मस्ट है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आप एक योगा इंस्ट्रक्टर का रोल कैसे निभाती हैं? हाँ, मुश्किल होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कहते हैं ना गुरु, अगर टीचर अगर स्कूल ना जाए तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, तो वैसा ही मेरा ही है। तो मैं भी एक टीचर का रोल अदा करती हूँ कि नहीं, मुझे सारा काम मैनेजमेंट सारा करके ही मैं सारी चीज़ें करती हूँ। मैंने बताया ना मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ, तो सारी चीज़ें मैं घर पूरा हैंडल करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर को नहीं देखती हूँ, नाश्ता खाना पीना चाय सब अपने हाथों से, सारी चीज़ें अपने हाथों से। कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी के थ्रू सारा काम करती हूँ, या सारे घर को भी देखती हूँ और यहाँ 2 बैचेस लगाती हूँ। तो आपका इसको लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? बहुत है, मैं सोचती हूँ कि इसको जहाँ तक मैं ले जा सकूँ, जहाँ तक मेरी सांसें हैं, मैंने कहा ना जहाँ तक मेरी सांसें मैं वहाँ तक मैं सबको ले जाऊँगी और इस चीज़ को ज़रूर सबको अवेयरनेस करना। तो आज महिला दिवस के अवसर पर आप कुछ खास संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए? हाँ ज़रूर देना चाहूँगी, मैं हर महिलाओं को यही कहूँगी कि आप लोग देखिए, योग हमें जुड़ना सिखाता है हर किसी से। तो सब महिलाओं से मैं यही कहूँगी, एक दूसरे से जुड़ के रहिए, आप एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे तभी एक ताकत बनेगी हमारी। तो मैं हर महिलाओं से ये कहेंगी, आप ताकत बनिए, आप कुछ करिए अपने लिए, अपने लिए जीवन में आगे बढ़िए, चाहे छोटे से स्केल से शुरुआत करिए पर कुछ करिए। मैं हर महिलाओं से कहूँगी कि हर महिला सम्मान की हकदार है, तो हर महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो किस भी स्टेज पे हो। बस मैं महिलाओं से कहूँगी आप लोग आगे बढ़िए और अपना सपना पूरा कीजिए। तो ये थी हमारी इंदू देवानी जी, जो यहाँ बरेली में योगा इंस्ट्रक्टर हैं, ये अपने घर पर ही योगा सिखाती हैं, जिन्होंने हमें बताया कि योगा के क्या महत्व हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। थैंक यू, मैं थी कशिश भदौरिया न्यूज़ टुडे नेटवर्क से। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।